है वाट्सअप गाइस वेलकम टू आर चैनल एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर कॉन नॉट टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड रेनबो सिक्स न्यू ब्लड एक्चुअली गाइज रेनबो सिक्स न्यू ब्लड मूवी जो है इसके ऊपर बहुत सारे लीक्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं तो या आप लोग तैयार हो जाओ रेनबो सिक्स का मूवी भी आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है एंड ये जो मूवी है भाई इसको बताया जा रहा है दो हजार तेरह के अंदर बिगिन था एंड लास्ट अपडेट इस मूवी का निकला था दो हजार बाईस के अंदर स्टालन जो है सेल्विस्टर स्टालन नो द लेजेंड तो मतलब इन्होंने अपडेट लास्ट में जो है इन्होंने नहीं किया था ऑब्वियसली प्रोडक्शन कंपनी अपडेट्स देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊँगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो so, या गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको ज़रूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ये मूवी नहीं है सोचना मत रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टैलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते हो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलॉन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून एक कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोअप प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था 1962 के अंदर एंड ये जो है लैंडस्गेट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब्रू मतलब हज़ार दिन मैंने हाँ यार हजार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेमबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक like, जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फ़ैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी थिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक, एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक like इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फ एस्टेस्ट लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक like कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक like, जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ये मूवी नहीं है सोचना मत रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टैलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते हो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 एट ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते हो मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोअप प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन मैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स तुम जानते ही हो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंस्गेट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रो मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंड स्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी थिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जाम्पल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जाम्पल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्ट हहलॉन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू बुलेट निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर है मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक like कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिनसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही हो टू के अंदर रिलीज हुआ है बाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टैलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं

ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बैलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब मतलब हज़ार दिन मैंने यार हजार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइज़ा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइज़ा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना भाई फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनीथिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्टेस्ट हेलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सेप्टेंबर आ, मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैमबो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैमबो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही यो टू के अंदर रिलीज हुआ है बाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 एट ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं

ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बैलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब्रू मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइज़ा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा ले बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी है चौदह मूवी ऐसे बाकी है तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्ट स्टैलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊँगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही हो टू के अंदर रिलीज हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलॉन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियां जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक like, जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइज़ा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझो कुछ भी एनीथिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवे मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक like, इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्टेस्ट हहलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सेप्टेंबर आ, मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इंफॉमेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो so, या गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं जानता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ये मूवी नहीं है सोचना मत रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टैलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते हो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून एक कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था 1962 के अंदर एंड ये जो है लैंडस्ेट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब्रू मतलब हज़ार दिन मैंने हाँ यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्गेट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेमबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइज़ा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी थिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा खत्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक, एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक like इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फ एस्टेस्ट लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सेप्टेंबर आ, मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक like कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक like, जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं जानता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टैलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैमबो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैमबो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते हो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोअप प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन मैन तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स तुम जानते ही हो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंस्गेट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रो मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्गेट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेमबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइज़ा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक like, जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी थिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्ट हहलॉन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू बुलेट निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर है मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक like कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिनसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही हो टू के अंदर रिलीज हुआ है बाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टैलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर, स्टेला और थे भाई। और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत बेस्ट ऑफ मूवी को मतलब एक्ट किया।, मतलब किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बैलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्गेट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रू मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइज़ा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइज़ा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा ले बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्ट स्टैलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सेप्टेंबर आ, मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैमबो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैमबो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही यो टू के अंदर रिलीज हुआ है बाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 एट ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं

ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही हो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब्रू मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइज़ा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन है उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइज़ा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनीथिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा ले बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी है चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्ट स्टैलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सेप्टेंबर आ, मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊँगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको ज़रूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही हो टू के अंदर रिलीज हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैमबो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलॉन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉन्ड डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रो मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइज़ा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक like, जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइज़ा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझो कुछ भी एनीथिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवे मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी है चौदह मूवी ऐसे बाकी है तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नजदीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक, एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक like, इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल एक एक मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्टेस्ट लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सेप्टेंबर आ, मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इंफॉमेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो so, या गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं जानता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ये मूवी नहीं है सोचना मत रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टैलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते हो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोअप प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनाडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रो मतलब हज़ार दिन मैंने हाँ यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेमबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइज़ा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी थिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा खत्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक like, इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फ एस्टेस्ट लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक like कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक like, जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं जानता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ये मूवी नहीं है सोचना मत रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टैलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते हो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है भाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर स्टैलन एक लेजेंड थे भाई और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी को मतलब भाई प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते मतलब उस मूवी के अंदर इन्होंने एक्ट किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बेलबोअप प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन मैन फिल्म तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स तुम जानते ही हो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंड स्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रो मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्गेट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना वॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फैन हैं उस हीरो के फैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी थिंग ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जाम्पल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जाम्पल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्टेस्ट हेलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू बुलेट निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ देती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर है मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक like कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे रहो कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिनसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैम्बो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैम्बो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही हो टू के अंदर रिलीज हुआ है बाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टैलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है सेल्वेस्टर, स्टेला और एक थे भाई। और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत बेस्ट ऑफ मूवी को मतलब एक्ट किया है लीड हीरो। और यार चलो इस के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियाँ प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बैलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन मैन तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कनाडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ ब्रू मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों को सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेमबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना भाई फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फ़ैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइजा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी हैं चौदह मूवी ऐसे बाकी हैं तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्टेस्ट हहलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू बुलेट निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़ती है तो प्रोडक्शन कंपनियां लोगों ने अपडेट दी थी, थी 2022 में एंड अभी तक भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार आप तो सितंबर मतलब सितंबर चल रहा है 2024 का सितंबर चल रहा है एंड अभी तक कोई भी अपडेट हमें रेनबो सिक्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता लेकिन वरी नॉट आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रेनबो सिक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए एंड उसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा मूवी कब लॉन्च होगा स्टोरी क्या होने वाला सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सो या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को लाइक कर देते हो एंड उसी के साथ एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा देना ब्रो बेल नोटिफिकेशन दबाने से जानते हो क्या फ़ायदा है लाइक जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा सोया डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन दबा दो जिससे मतलब भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार मतलब फ़ायदा रहेगा ना <laughs> फ़ायदा मतलब मतलब फ़ायदा तो मेरा होगा ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ लेकिन आप लोग समझ लो आपका भी फायदा होगा सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे कोई से भी मूवी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में ना कि मूवी तो मैं दिखाऊंगा नहीं तुम जानते ही हो बस मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को तो देख लो रेनबो सिक्स जो है ये अभी है सॉन्ग्स बाई शिंसा मैन तो मतलब ए भाई मूवी जो है ए मूवी नहीं है सोचना मत रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड रिलीजिंग ए करके इसका मूवी का टाइटल है पहली बात तो न्यू ब्लड सिक्स न्यू ब्लड द मेन थिंग आपको नोटिस करना है न्यू ब्लड इसका मतलब है कि अपना जो मतलब स्टेलॉन सेल्वेस्टर है मूवी के अंदर नहीं रहेंगे ब्रो वो अभी बहुत ज़्यादा उनका एज भी हो गया रुको मैं आपको बताता हूँ Uh, उनका एज एंड रैमबो फाइव मूवी जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रैमबो फाइव द लास्ट ब्लड था जानते ही यो टू के अंदर रिलीज हुआ है बाई तो मतलब ये ज़बरदस्त मूवी जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली जानते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि जो एक्टर हैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड वो वाली बात रही नहीं अभी तो बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है सिर्फ कमा पाया 95.1 मिलियन यूएस डॉलर एंड इस मूवी का बजट था 50 मिलियन यूएस डॉलर तो घुमा फिरा के 45 मिलियन यूएस डॉलर का ये जो मूवी है रैम्बो फाइव लास्ट ब्लड कमा चुका है इतना ही सिर्फ प्रॉफिट में कमाया था लेकिन अभी जो है सेल्वेस्टर जो है स्टेलोन सेल्वेस्टर इनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइक आप लोग समझ लो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुके हैं इनका एज है करंटली अभी मतलब इनका बॉर्न डेट था जुलाई सिक्स 1946 के अंदर पैदा हुए थे ब्रो एंड अभी इनका एज है 78 एट ईयर ओल्ड समझ रहे हो 80 साल के हो चुके हैं भाई लेकिन यंग तो लगते हैं यार मतलब अगर कंपेयर किया जाए उतना अच्छा फिटनेस मेंटेन किए हैं तो मतलब बहुत, एक बहुत बेस्ट बेस्ट मतलब ही एक्ट मतलब किया है एज अ लीड हीरो और यार चलो इस मूवी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइक ये जो मूवी है कितने अलग अलग कंपनियां प्रोड्यूस कर रही है एंड रैम्बो सिक्स न्यू ब्लड कौन होने वाला भाई नया खून ये कौन है न्यू खून तो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करने वाले हैं तो देख लो प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो बैलबोआ प्रोडक्शन कंपनी थी मतलब रैम्बो फाइव को प्रोड्यूस किया है मतलब रैम्बो सिक्स को भी करेगी डैडी फिल्म एच के लिमिटेड एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने भी मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उसके बाद मिलीनियम मीडिया एक है एंड उसके बाद टेम्पल टॉन मीडिया एंड लास्ट में कैंप बेल गॉर्बमैन फिल्म्स तो मतलब ये जो है टोटल पांच कंपनियां होती हैं और पांचों कंपनियां ने मतलब इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अपना मतलब फुल प्रोडक्शन कंपनी जिसे बोला जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए लाइक गाइस लाइन्स गेट तुम जानते ही होगे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कैनेडा एंड अमेरिकन एक यूनाइटेड कैनेडा एंड अमेरिकन यूनाइटेड नहीं है मतलब कैनेडा एंड अमेरिका जो कंट्री है दोनों अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर एंड ये जो है लैंडस्केट एक लेजेंड कंपनी है मैंने इसके हज़ारों मूवी तक देख तो चुके होंगे भाई मतलब हाँ अगर हज़ार मूवी मैं कैसे देख सकता हूँ अब मतलब हज़ार दिन मैंने यार हज़ार मूवी नहीं देखा रहेगा पचास सौ सौ से तो ऊपर ही देखा रहेगा लैंडस्केट का ही सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद चलो यार आगे बढ़ते हैं न्यू ब्लड के बारे में तो देख लो भाई न्यू ब्लड कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है भाई हम लोगों सिंपल से मतलब मालूम है एक फ़्रेंचाइजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो फ्रेंचाइजा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना मतलब मान लो फ्रेंचाइजा हमेशा मूवी बन रहा है दस मिलियन कमा के दे रहा है पचास मिलियन तो मतलब वो उसे बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो सेम रेनबो ऐसा ही है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है उतना गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है ये दस मिलियन अगर लग रहा तो तीस मिलियन तो कमा रहा है पचास नहीं तो तीस मिलियन तो कमा रहा है ऐसा एक एवरेज पकड़ लो आप लोग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंचाइजा को कंटिन्यू रखना बॉइस फ्रेंचाइजा को बंद नहीं होने देना तो डायरेक्टर लोगों का एंड प्रोड्यूसर लोगों का एंड प्रोडक्शन कंपनियाँ जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो फ्रेंचाइजा है फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकती है तो लाइक जो हीरो है वो तो भाई बूढ़ा हो चुका है ना उस हीरो की वजह से फ्रेंचाइजा शुरू हुआ था और जितने सारे फ़ैन हैं उस हीरो के फ़ैन थे इसीलिए उस फ्रेंचाइज़ा अभी तक इतना बेटर परफॉर्म कर रहा था ऐसा एक माइंड बैठ जाता है लेकिन क्या होता है जो हीरो है उसका बेटा या फिर हीरो का सबसे करीबी जो लड़का होगा या फिर कोई भी होगा रिश्तेदार समझ लो कुछ भी एनी ब्रो ओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर समझ लो हीरो की जगह ले लेगा ले बहुत मूवी के अंदर आपने ऐसा ही देखा होगा लाइक हीरो होता है हीरो मतलब फ्रेंचाइजा ख़त्म कर नहीं पाता है मान लो मूवी का फ्रेंचाइजा का मिनिमम अभी बीस फिल्म निकलेगा लेकिन हीरो बाई छठवें मूवी तक बूढ़ा हो चुका है और भी अभी सात आठ अभी तो बहुत मूवी बाकी है चौदह मूवी ऐसे बाकी है तो क्या किया जाता है डायरेक्टर लोगों के हिसाब से कि इस हीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके बेटे से या फिर इसका कोई भी रिलेटिव नज़दीकी सबसे इसका करीबी कोई भी एक गरीब का लड़का जो भी हो उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो हीरो को सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा ना उसको ऑडियंस भी पसंद करने लगती है समझे क्या भाई ये होता है एक मतलब माइंड सेट उधर सेट किया जाता है तब जाके न्यू ब्लड जैसे मूवी ये आ रहे हैं एंड एक बेस्ट एग्जांपल सॉरी एंड एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो न्यू ब्लड ही है रेमबो सिक्स एक भाई अभी के लिए लाइक इसी वीडियो के अंदर इसी मूवी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा दिया आप लोगों को ऐसा ही होने वाला है रेमबो फाइव तक तो भाई एकदम जवान थे भाई सेल्फेस्ट स्टैलोन लेकिन अभी थोड़ा बूढ़े हो गए तो फ्यूचर के अंदर जो रेनबो सिक्स न्यू ब्लड निकलने वाला है वो नए खून पे रहेगा एंड नए कहानी की शुरुआत ले सकता है या फिर वही कहानी जो है वो लड़का जो है नया लड़का खत्म करेगा समझ गए? ऐसा कुछ होता है ब्रो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टेक केयर गाइस बाय बाय